हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू अवर चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो अप टिल नाउ हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन कंटिन्यू हो रहे हैं, सो टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर प्रॉब्लम अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर हम लोग हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन को वाइंड अप कर देंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑफ करेंगे। पेज नंबर 34, इलास्ट्रेशन नंबर 1, रोहित शर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ क्या होगा, फिर पहले ड्रॉ कर लो अपना फॉर्मेट, SR नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। रोहित ने स्टार्ट किया है तो असेट्स में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा, टेक द टोटल डाउन साइड, ऐसे हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो दोनों होगा, असेट्स और कैपिटल में एंट्री हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, सो हमारे लिए लाइबिलिटी है और हमारे पास गुड्स आएगा तो असेट्स में प्लस होगा और लाइबिलिटी में भी ऐड होगा। सो प्लस कर दो 10,000, यहाँ पे भी प्लस कर दो, कैपिटल में ज़ीरो लिख दो, तो कैपिटल में ज़ीरो लिख दिया, एक टोटल ले लो, कैरी करो, असेट्स टोटल 60,000, लाइबिलिटी टोटल 10,000 और कैपिटल 50,000। पॉइंट नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। अब हम हमारे पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, देखो चेक करो अपना पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे, एक तो गुड्स अकाउंट और एक तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। हमने विराट को गुड्स सोल्ड किया है तो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं होगी, जब हम परचेस करते हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, सेल करते हैं तो हमारे तो इनकम है वो, इसलिए हमारे पास गुड्स तो गए 20,000 बट पैसा भी 20,000 आने ही वाला है ना, इसलिए वो असेट्स में जाएगा। सो माइनस 20 प्लस 20, सो माइनस 20 क्यों, हमने सेल किया गुड्स, और प्लस 20 क्यों, हमारे पास कैश आने वाला है असेट्स में, तो बाकी दोनों में डैश दे दो जीरो, टोटल ले लो अगेन 60, कैरी करो डाउन साइड, लाइबिलिटी में 10,000 और कैपिटल में 50। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। अब हम हमारे पॉइंट 4 पे आते हैं, रीड द पॉइंट, रिसीव्ड डिविडेंड, हमें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। अब देखो डिविडेंड इज अवर इनकम, तो असेट्स में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा, सो 60,000 प्लस 500 कितना होगा, 60,500, कैपिटल में 50,000 प्लस 500 कितना होगा, 50,500। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड हो गया तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो खाली फ़र्क क्या है, अगर कोई रिसीव्ड आया इनकम तो असेट्स और कैपिटल में प्लस करने का, और पेड आया तो असेट्स और कैपिटल में माइनस करने का, तो असेट्स में भी माइनस करो 500 और कैपिटल में भी माइनस करो और लाइबिलिटी में ज़ीरो लिखो, तो कितना होगा 60,500, आफ्टर दैट डिडक्ट द 500, सो आंसर विल बी 60,000, 10,000 एज इट इज़ हम कैरी करेंगे और 50,500 में से भी 500 माइनस होगा तो आंसर होगा 50,000। अब चलो लाइबिलिटी और कैपिटल को प्लस करो, असेट्स से टैली होना चाहिए, 10,000 प्लस 50 हुआ ना 60,000। सो दिस वे वी कंप्लीट अवर प्रॉब्लम नंबर 1st ऑफ टेक्स्ट बुक। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा, नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विथ नेक्स्ट पार्ट, टिल दैट टाइम आपको मैं होमवर्क देने वाली हूँ, अनसॉल्व पे आ जाओ, हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके जो अनसॉल्व पेज है उस पर आपको आना है, और आपको इलास्ट्रेशन में एक्टिविटी में 4 एक्टिविटी जो आपको खुद से सॉल्व करना है, पेज नंबर 37 का एक्टिविटी नंबर 4 है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको उसमें 7 पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको टेबुलर फॉर्म बना के भी दिया है, आपको टेबल नोटबुक में तैयार करो, क्वेश्चन लिखो नोटबुक में अनसॉल्व, और आपको ये एक्टिविटी 4 तैयार करके लाना है, तो आप ये एक्टिविटी 4 तैयार करके आओ, तो आके हमारे लिए इजी जाएगा, प्रैक्टिस करो एक्टिविटी 4।